नमस्कार। कल इंडिया का मैच था 7:30 से इंडिया वेस पाकिस्तान। इंडिया मैच हार गया। दुख इस बात का नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई बोल रहा है बीसीसीआई में कुछ पॉलिटिशियन आ गए हैं, पैसा खा के मैच जिता दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो कभी यहाँ कभी वहाँ। कुछ बोल रहे हैं रोहित शर्मा आउट हो गया इसलिए हार गया, कुछ बोल रहा है धोनी नहीं है इसलिए हार गया, कुछ बोल रहा है विराट कोहली कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा दिया, उसके रन मारने पे मैच हमेशा अक्सर इंडिया हार ही जाती है। तकलीफ इस बात की नहीं है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का एक नज़रिया है, जरिया है। दरअसल बात कुछ इस तरह से है कि मैच है, दो टीमों के बीच होती है, कोई अच्छा खेल दिया कोई खराब खेल दिया, बीच में आ जाते हैं कोई हार जाते हैं, तो ये मैच में अक्सर ऐसा चलता रहता है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अपने नज़रिए से देखिए, किसी के बहकावे में आके नहीं। हाँ, हो सकता है कि हिंदुस्तान बढ़िया ना खेला हो पहले के मुताबिक और पाकिस्तान कुछ बेहतर खेल दिया हो इसलिए शायद वो जीत गया। और ऐसा ही बोला जाता है कि बेटे को जीत की आदत पकड़ाने के लिए, दिलाने के लिए बाप को हारना भी पड़ता है। इस जीत से बेटे को सीख मिलती है जीतने की। दुख इस बात का नहीं है कि इंडिया हार गया, दुख न इस बात का है कि धोनी वहां पे नहीं थे, दुख इस बात का भी नहीं है कि रोहित शर्मा नहीं चले, और दुख इस बात का भी नहीं कि विराट कोहली नहीं चला, चला भी तो एटीट्यूड के कारण नहीं चला। दुख इस बात का है कि आज भी कुछ ऐसे दोहरे मानसिकता के लोग हमारे इस देश में घुसे पड़े हैं जो खाते यहां हैं और बजाते कहीं और का है, गाते कहीं और का है। जैसे मैं कल का उदाहरण ले लीजिए, कल मैच का, कि हारा हिंदुस्तान, पटाखे फूटे हिंदुस्तान में ही, जीत की खुशी में किसके, पाकिस्तान के। तो कुछ ऐसे दोहरे मानसिकता के लोग यहां बैठे हैं हमारे हिंदुस्तान में, और उनको हम बहुत ही इज्जत के नजरिया से देखते भी हैं। हमको लगता है कि आगे चल के कहीं ना कहीं ये हमारे भाईचारा से मैच करेंगी और ये हमारे भाई हो सकते हैं, लेकिन ये हमको शायद गलत लगता है, क्योंकि हमको यह पूरी तरह से एहसास हो गया है कि कुछ जो दोहरे मानसिकता के लोग हैं वो शायद कभी नहीं बदल सकते। अब अगर आपको लगता है कि वो दोहरी मानसिकता के लोग मुस्लिम हैं, बिल्कुल सही है, आप मुस्लिम ही हैं। हाँ, लेकिन कुछ ही मुस्लिम हैं, ऐसा भी नहीं है कि हिंदुस्तान में जितने 100% मुस्लिम हैं वो सबके सब वैसे हैं, नहीं, बस यही गिने चुने 10-15% लोग हैं जिनके पूर्वज कभी पाकिस्तान में रहा करते थे और वो आज भी उन्हीं का गुण गा रहे हैं। हाँ, ये पूरी तरीके से गलत है, नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। और हमारे सारे दर्शकों से ये आग्रह है, एक विनती है उन दोहरे मानसिकता के लोगों को कि कृपया करके आप ऐसा ना करें, और जो इस वीडियो को अभी हमें देख रहे हैं उनसे भी ये आग्रह है कि कृपया आप भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि हर लोग वैसे नहीं है। हाँ, हैं कुछ लोग हैं। देखिए भाइयों, जो सुविधा हिंदू धर्म में है वही सुविधा मुसलमान धर्म में भी है, और चाहे कोई भी धर्म को ले लें, अगर हिंदुस्तान में जो लोग भी हैं सबको वही सुविधा प्रदान की जाती है सरकार की ओर से जो किसी अन्य धर्म को की जाती है। तो ऐसा किस चीज़ के लिए सोचना, किस चीज़ के लिए ये मानसिकता लाना, किस चीज़ के लिए हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान का गुनगाना। आप भी अपने त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं बिना कोई रोक टोक के, आप भी अपने धर्म का प्रचार बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं बिना कोई रोक टोक के, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो हम अपने देश के खिलाफ चले जाए। नहीं, हमारा देश धर्म से आगे है, लेकिन जहां अगर धर्म की बात आएगी वहां हम धर्म के लिए लड़ेंगे, और जहां हमारे देश के लिए बात आएगी हम वहां अपने देश के लिए लड़ेंगे, क्योंकि देश सर्वोपरि होता है, उसके बाद धर्म, उसके बाद अपना कर्म। देखिए मुस्लिम भाइयों, ये जानते हैं क्या है जो हम पहने हैं, इसको पठानी बोलते हैं, पठान लोग ही अक्सर इसको ज्यादा पहनते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मुसलमान हो गए या हम पाकिस्तान के हो गए, अरे हमारा धर्म सबसे पहले हमारे लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे देश के खिलाफ जाइएगा तब भी हम आपको प्यार ही करेंगे। अगर आपके दिमाग या जहन में कोई ये चीज बसती है तो इसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि जो हमारे देश का नहीं वो किसी का नहीं, बाकी आपकी मर्जी, आपकी कर्मों की सजा यहां नहीं तो वहां जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।